subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world. बिग बॉस के घर में आने वाला है वीकेंड का वार, और ये वार हर बार की तरह घर के सदस्यों पर फटकार लगाता हुआ नजर आएगा सलमान की। यानी कि इस वीक में जिस भी सदस्य ने टेढ़ी मेढ़ी हरकतें करी होंगी उन्हें सलमान की फटकार झेलनी पड़ेगी। लेकिन साथ ही साथ इस बार नॉमिनेशन कुछ हटके भी होने वाला है। दरअसल रुबीना, राहुल, नैना और शार्दुल नॉमिनेटेड थे इस बार, लेकिन रुबीना सेफ हो गई थी, तो वहीं अब राहुल, नैना और शार्दुल इन तीनों में से कोई एक जन घर के आउट होने वाला है। जहां पर राहुल इन तीनों में से सबसे ज़्यादा टफ कॉम्पिटिटर हैं और उनकी फैन फॉलोइंग भी इन दिनों बाहर देखी जा रही है। यानी कि बाहरी दुनिया के लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं, उनके स्टैंड लेने के तरीके को और जिन चीज़ों में वो स्टैंड लेते हैं वो लोगों को पसंद आ रहा है। जिस बीच आप सभी को देखने को मिलेगा कि शार्दुल और नैना इन दोनों में से कोई एक जन बाहर हो सकता है, जिसके बाद शार्दुल ने जब अपनी माँ से जुड़ी, माँ के स्वास्थ्य से जुड़ी बात एक्सपोज करी थी, तो एजाज ने ये कहा था कि शार्दुल इस जर्नी में लंबा जाना चाहिए, जिसके चलते शायद व्यूअर्स ने शार्दुल को ज़्यादा वोट दिए होंगे। वेल, ऐसे में शुद्ध मनोरंजन की एक रिपोर्ट की माने तो शार्दुल और नैना के बीच टफ कंपटीशन चल रहा है, जहां पर कभी नैना तीसरे नंबर पर आ जाती है तो शार्दुल चौथे नंबर पर आ जाते हैं, तो कभी शार्दुल तीसरे पे होते हैं तो नैना चौथे नंबर पर आ जाती है। इसी के साथ साथ एक और रिविलेशन हुआ है कि इस बार भी नॉमिनेशन शायद वीकेंड का वार पे ना हो, बल्कि वीकडेज में आप सभी को नॉमिनेशन देखने को मिले। वल, आपको क्या लगता है कौन होगा इस बार नॉमिनेट? कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। सब्सक्राइब अवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट ऑफ योर वर्ल्ड।